अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान बेपरजॉय तेजी से भारत के तटीय इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। चक्रवाती तूफान का भयानक रूप भी दिखने लगा है। समुद्र में ऊंची ऊंची डरावनी लहरें उठ रही हैं। तटीय इलाकों केरल, महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई शहरों में तेज बारिश के साथ साथ तूफानी हवाएं भी चलना शुरू हो गई हैं। वहीं इन राज्यों की सरकार ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। IMD ने बताया है कि बेपरजॉय 15 जून की शाम तक गुजरात की जखाऊ बंदरगाह के पास सौराष्ट्र और कच्छ से टकराएगा। वही मुंबई के जुहू बीच के पास सोमवार को एक बड़ा हादसा हो गया। ऊंची लहरों की चपेट में आने से 5 युवक डूब गए, जिनमें से 3 को बचा लिया गया और 2 अभी भी लापता हैं। तूफान के खतरे को देखते हुए NDRF ने 12 टीमें तैनात कर दी हैं। साथ ही NDRF ने अपनी 15 टीमों को आपात स्थिति के लिए तैयार रखा है। हमारी 6 बटालियन NDRF से 3 टीम प्रिकॉशनरी डिप्लॉयमेंट के लिए मूव हुई हैं, जिसमें कि एक टीम वलसाड के लिए, एक टीम गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट के लिए और एक टीम पोरबंदर के लिए, जिसमें कि 2 टीम यहाँ हमारी बटालियन हेडक्वार्टर से मूव की हैं गिर सोमनाथ और वलसाड के लिए, और एक टीम हमारी बटालियन हेडक्वार्टर जो हमारा RRC है, रीजनल रिस्पांस सेंटर गांधीनगर, वहाँ से एक टीम पोरबंदर के लिए मूव की गई है। क्योंकि ये बेपरजॉय साइक्लोन है, उसको लेकर हमें स्टेट गवर्नमेंट से जो ऑर्डर्स मिले हैं, ये प्रिकॉशनरी डिप्लॉयमेंट के लिए मूव हुई है। मौसम विभाग ने बताया कि बेपरजॉय के कारण दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश में गुरुवार और शुक्रवार को हल्की बारिश की संभावना है। साथ ही उन्होंने कहा कि 15 और 16 जून को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी बादल छाए रहने और बूंदाबांदी होने की संभावना है। गुजरात में तूफानी चक्रवात बेपरजॉय के मद्देनजर कांडला बंदरगाह को बंद कर दिया गया है। इसकी वजह से सैकड़ों ट्रक गांधीधाम में ही फंस गए हैं। वहीं PM मोदी ने भी गुजरात CM से बात की। गुजरात में चक्रवात का असर बढ़ने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बातचीत की, साथ ही केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।